उसी में जा रहे हैं, आप लोग भी चले तो अच्छा होगा। अरे वाह, अरे इस्तेमा, सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए। क्या होता है ये इस्तेमा, बताओ तो जरा। अरे ओशिया बहन, इस्तेमा में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताई जाती हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। उनमें से एक लड़की खड़ी होगी और कहेगी, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, निकाब पहनो, जींस टी शर्ट ना पहनो, मोबाइल ना देखो, गाने ना सुनो, आधी आस्तीन के कपड़े ना पहनो, झूठ ना बोलो, गिबन ना करो, वगैरह वगैरह। अर्फिया बाजी, आप सही कह रही हैं, मुझे तो ये सब बकवास लगता है, इसीलिए मैं नहीं जाती इस्तेमा उस्तेमा में। अरे अर्शिया बहन, ऐसी बातें मत करो, ये कैसी जिहालत वाली बातें कर रही हो? आप लोगों के दिलों में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा सी मोहब्बत नहीं है क्या? ऐ काला कपड़ा पहनने वाली लड़की, खबरदार जो हम लोगों पर इल्जाम लगाए, भला बताओ ये कोई बात हुई कि हमारे दिलों में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है? अरे वो लड़की कान खोल कर सुन ले, हम लोग तुम लोगों से पक्के मुसलमान है, माशा अल्लाह तुम लोगों से ज्यादा दीन की बातें जानते हैं, तुम्हारा ऐसी बात जबान से निकाली तो जबान खींच लो। मैं बहुत देर से आप लोगों की बकवास सुन रही हूँ और देख रही हूँ कि आप लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही हो और इस्तेमा या दिन की दूसरी मजलिस में जाने वालों को बेवकूफ समझ रही हो। अरे वाह उस बाबा जी, इसमें कहने की क्या बात है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल थोड़ी है, माशाल्लाह मैं ग्रेजुएट हूँ और ये इंटर पास है और ये छोटी वाली आठवीं पास है। ठीक है माँ बाजी, अभी पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। चलो ये बताओ कि उसमें कितने फर्ज होते हैं। वाह बहन, उजमा सवाल भी पूछा, इतना आसान, भला ये किसको नहीं मालूम है कि गुस्ल के माने नहाने के होते हैं और नहाने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर एक पानी की, नंबर दो अच्छी क्वालिटी का साबुन, नंबर तीन अच्छी क्वालिटी का शैम्पू, नंबर चार अच्छी तौलिया। अब इसमें भी फराइज राज कहाँ से आ गए हैं, ये सब आप लोगों की दिमाग की इजाद है। वाह वाह, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, जब पहले ही सवाल में ये हाल है तो आगे क्या होगा। अब मेरी बारी है, मैं पूछूंगी। चलो उमामा बाजी, अव्वल कलमा सुनाओ। अरे सब मैं ही बताऊं, इन लोगों से भी पूछ लो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो उर्शिया बाजी आप सुना दो। हाँ क्यों नहीं, क्या बुरी जाहिल समझती है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। लो सुन लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलिल्लाह, सुन लिया, हो गई तसल्ली, या और कुछ सुनना है? हो गया। अरे उर्शिया बहन, अभी कहाँ तसल्ली हुई, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो इब्तिदा इम्तिहा है, रोता है क्या, आगे आगे देख, होता है क्या? अरे यार तुम लोग सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो, मेरी बारी कब आएगी, इस बार मैं पूछूंगी। हाँ खदीजा बाजी, आप भी अपनी दिल की भड़ास निकाल लो और जो दिल में आए वो सवाल पूछ लो। अरे मेरी बहन गुस्सा ना हो, चलो आसान से सवाल का जवाब दे दो, ये बताओ कि वजू में कितने फराज हैं? देखो ये मुझे पता नहीं कि फराज और अर्ज क्या होता है, अलबत्ता मैंने अपनी नानी अम्मी और दादी को वजू करते देखा है, वैसे ही वजू करती हूँ। पहले मुँह खूब रगड़ रगड़ कर धो लेती हूँ और फिर हाथ यहाँ तक धोती हूँ और फिर पैर खूब मल मल कर धो लेती हूँ, बस मेरा वजू हो जाता है, हो जाता है। हो गई ना खदीजा बाजी आपको तसल्ली? अरे अर्शिया बहन, हम लोगों का इरादा तो और सवाल करने का था, लेकिन आप लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि आप लोग कभी मदरसा में पढ़ने गए ही नहीं हो। आप लोगों को तो दीन की इतने अहम और जरूरी बात भी नहीं मालूम है, तो आगे और क्या सवाल किया जाए? लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें तो हमारे माँ बाप की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने हमें दीन की तालीम देने के बजाय कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया था। तो क्या हम लोगों ने सवाल का जवाब गलत दिया था? हाँ बहन, आप लोगों ने सवाल का जवाब बिल्कुल गलत दिया था। अरे आप सब सत्यानाश हो गया। अरे बहन, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम लोगों को सिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले कलमा दुरुस्त कर लेते हैं, पहला कलमा इसी को अव्वल कलमा तैयब या तैयबा कहते हैं, इस तरह है, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदु रसूलुल्लाह। और गुस्ल के फराइज जो मैंने बताए वो भी सही करवा दो। अरे बहन, बेशक गुस्ल के माना नहाने के होते हैं, लेकिन हमें शरीयत ने जो बताया हमको उस पर अमल करना है। शरीयत ने बताया कि गुस्ल में तीन चीजें फर्ज हैं जिनका करना जरूरी है, उनके बगैर पा
जाके हासिल नहीं हो सकती। नंबर एक, गरगरे के साथ कुल्ली करना। नंबर दो, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर तीन, पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना कि एक बाल के बराबर कोई जगह सूखी ना रहे। और वजू में चार चीजें फर्ज हैं जिनका करना जरूरी है, वरना वजू नहीं होगा। और जब वजू नहीं होगा तो कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। नंबर एक, पूरा चेहरा धोना, पेशाने के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक। नंबर दो, दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। नंबर तीन, चौथाई सर का मसा करना। नंबर चार, दोनों पाँव टुकड़ों समेत धोना। मल मल का नहीं धोएंगे तब भी चलेगा, सिर्फ पैर भीग जाए बस। तो उसका मतलब यह कि हम लोग खुद तो दीन की तालीम से दूर हैं, ऊपर से दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मेरे बहनों, मदरसों में और दीनी मजलिसों में जाने से यही फायदा होता है कि कम से कम दीन की बातें सुनने को मिल जाती हैं और बहुत सारी गलतियां दुरुस्त हो जाती हैं। अच्छा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चलते हैं। देखो, अगर दीन की तालीम सीखना है तो हमारे मदरसे अल महदी इस्लामी सेवड़ा में अपना नाम लिखवा लो। इंशाअल्लाह आज मैं अपनी अम्मी से कहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।